हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं शिवांगी फिर से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। नंबर 1, सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और यामी गौतम स्टार अब भूत पुलिस के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने स्टार नेटवर्क को बेच दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये डील करीब 60 से 65 करोड़ रुपए में हुई है। इसमें से 45 रुपए डिजिटल राइट्स और 15-20 करोड़ रुपए सैटेलाइट राइट्स के बताए जा रहे हैं। चूंकि पवन कृपलानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट करीब 40 करोड़ है, ऐसे में प्रोड्यूसर्स को राइट्स बेचकर 20 से 25 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। नंबर 2, कोरोना महामारी के चलते एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े स्वतंत्र पत्रकारों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इस सिचुएशन में महानायक अमिताभ बच्चन उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। हाल ही में उन्होंने कई स्वतंत्र पत्रकारों की आर्थिक स्थिति का जायजा लिया और उनके बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की ताकि संकट काल के आने वाले कुछ महीनों में उनकी फैमिलीज को राहत मिल सके। नंबर 3, फरहान अख्तर और उनके पार्टनर रितेश सिद्वानी एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले 70 और 80 के दशक के दौर की मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद की लाइफ पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री ड्रामा प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हालांकि पहले चर्चा थी कि जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट करेंगी, लेकिन ताजा रिपोर्ट की माने तो ये खबर सच नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक डायरेक्टर पर अंतिम फैसला भी लेना बाकी है, लेकिन चर्चा है कि इस डॉक्यूमेंट्री को कोई और ही डायरेक्ट करेगा। डॉक्यूमेंट्री ड्रामा में सलीम खान और जावेद अख्तर के साथ अमिताभ बच्चन के इंटरव्यूज भी शामिल किए जाएंगे, जिनकी कामयाबी के पीछे राइटर जोड़ी का बहुत बड़ा हाथ है। नंबर 4, मध्य प्रदेश में जून से फिल्में, वेब सीरीज और सीरियल्स की शूटिंग को इंडस्ट्रियल वर्कर्स के दायरे में लाने की कवायद है। ऐसे में यहां 15 जून से आधा दर्जन प्रोजेक्ट्स रिज्यूम हो सकते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म के ऑफिसर्स ने इसकी पुष्टि भी की है। टूरिज्म ऑफिसर हनी दीक्षित के मुताबिक, मौखिक रूप से तो ग्लैमर जगत से जुड़े काम इंडस्ट्रियल वर्कर्स माने जाते हैं, लेकिन लिखित में ऐसा है कि नहीं ये देखा जा रहा है। वैसे भी राज्य के 90% जिले अनलॉक हो चुके हैं, कुछ दिनों में स्पष्टता आ जाएगी कि राज्य में कहां कहां शूटिंगें मुमकिन है। नंबर 5, फिल्म मेकर हंसल मेहता के पिता दीपक सुबोध मेहता का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी हंसल मेहता ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी। हंसल ने इस पोस्ट में अपने पिता के साथ की एक फोटो भी शेयर की है। साथ ही उन्होंने पिता के लिए दिल को छू लेने वाला एक नोट भी लिखा है और उन्हें दुनिया का मोस्ट हैंडसम मैन भी बताया। हालांकि हंसल मेहता ने पोस्ट में पिता के निधन की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। नंबर 6, विद्या बालन की फिल्म शेरनी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में विद्या बालन एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में है। फिल्म की कहानी एक टाइगर रिजर्व के बारे में है, जहां एक टाइगर आदमखोर हो गया है। इलाके के लोग, आसपास के गांव वाले परेशान हैं और ऐसे में इस मामले को संभालने के लिए एक महिला ऑफिसर की यहां नियुक्ति की जाती है, जिसका रोल निभा रही है विद्या बालन। आपको बता दें कि ये फिल्म 8 जून को वीडियो स्ट्रीमिंग पोर्टल अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो रही है। नंबर 7, अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। करणी सेना के बाद अक्षय के खिलाफ सनातन सेना ने क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई है। सनातन सेना की इस कंप्लेंट में अक्षय के अलावा प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा का नाम भी शामिल है। इस संबंध में सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत सिंह का एक आधिकारिक शिकायत पत्र ऑनलाइन सामने आया है। इस शिकायत में सुरजीत ने मेंशन किया है कि वो कई आधारों पर निर्माताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। इस शिकायत पत्र में कहा गया है कि संयुक्त रूप से और अलग अलग रूप से पृथ्वीराज नाम के तहत एक हिंदी फिल्म को प्रोड्यूस, निर्देशित और स्क्रिप्ट करने की कोशिश की गई है। उनका दावा है कि उनके इस कदम से लोगों की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। नंबर 8, टीवी के मशहूर एक्टर करण मेहरा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला सुर्खियों में है। हाल ही में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस निशा रावल ने उनके खिलाफ मारपीट और घरेलू हिंसा करने का मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, निशा ने मीडिया के सामने आकर भी अपने साथ हुई दर्दनाक कहानी को बयां किया। साथ ही पति करण मेहरा के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। निशा के इस खुलासे के बाद टीवी इंडस्ट्री के कई स्टार्स उनके सपोर्ट में खड़े हैं और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने भी निशा रावल का सपोर्ट किया है। उन्होंने हाल ही में निशा रावल को लेकर ढेर सारी बातें की और चौंकाने वाले खुलासे किए। कश्मीरा ने बताया, मैं इस पूरे मामले में निशा के साथ हूँ। करण मेहरा ने उन पर हाथ उठाया है जो गलत है। दोनों की जिंदगी में आर्थिक परेशानियां थी, जिनके जिम्मेदार खुद करण है, क्योंकि निशा घर में चुप ही रहती थी। नंबर 9, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी दोनों साथ में जिम से लौट रहे थे कि तभी मुंबई पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया।
इस बात को लेकर दोनों चर्चाओं में बने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की शाम दिशा और टाइगर जिम से लौट रहे थे। जिम से निकलकर मुंबई के बांद्रा स्थित बैंड स्टैंड का दोनों चक्कर लगा रहे थे। ऐसे में अचानक पुलिस ने दोनों की गाड़ी को रोका। इस दौरान कार में आगे की सीट पर दिशा बाटनी बैठी थी तो वहीं टाइगर पीछे की सीट पे थे। इस दौरान पुलिस ने दोनों के आधार कार्ड्स देखे, साथ ही दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी की और इसके बाद दोनों को जाने दिया। एंड नंबर 10, KGF स्टार यश ने एक बेहद अहम कदम कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए उठाया है। उन्होंने एक नोट शेयर कर बताया है कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के 21 विभागों के कर्मियों की मदद के लिए वो अपनी आय में से सभी के खातों में 1.5 करोड़ रुपए भेजेंगे। यश ने लिखा है, COVID-19 हम सभी के लिए एक अदृश्य दुश्मन की तरह बन गया है, जिसने देश भर में बड़ी तादाद में लोगों से आजीविका के साधन छीन लिए हैं। हमारी खुद की कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। इन गंभीर हालात में फिल्म समुदाय के सभी 21 विभागों के 3000 सदस्यों के लिए मैं अपनी आय में से हर एक खाते में 5000 रुपए भेजूंगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि इससे उन लोगों की तकलीफ और दर्द की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उम्मीद की एक किरण है, अच्छे दिनों के लिए एक विश्वास। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।